आपके लिए कार्ड आया है आपके पार्टनर के लिए वो है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, सो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए आपका पार्टनर पूरी दुनिया है आपकी। वो अगर हंसता है तो आप हंसते हो, वो रोता है तो आप रोते हो, तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो आप अपने पार्टनर को, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप का, जो इस चीज को और कंफर्म कर रहा है कि हाँ आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो और स्पेशली आप उसको और प्यार करने वाले हो। आप लोगों का रिलेशनशिप आपके एंड से बहुत इम्प्रूव होगा। आप उसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, आप बताओगे कि आपके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और आप उसको हर तरीके से ये चीज एक्सप्रेस करोगे। नॉट ओनली एक्सप्रेस फीलिंग से करोगे, आप उसको कुछ अच्छे गिफ्ट्स भी देना चाहिए आपको, और मुझे लगता है आप दोगे भी, और वो काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स होंगे। मुझे साथ साथ एक चीज़ और लग रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कई अपने पार्टनर को एक कमिटमेंट देंगे, और वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे अपने पार्टनर से शादी के बारे में बात करें, इंगेजमेंट के बारे में बात करें, या फिर अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के बारे में बात करें। तो हाँ, बिल्कुल आपकी जो रिलेशनशिप है आगे बढ़ने वाली है, एक स्टेप कम से कम, एक दो स्टेप आगे बढ़ने वाली है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी आपका सोल, आपका माइंड कनेक्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ डाउट है आपको किसी चीज़ पे लेकर के, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप मुझे एक चीज़ और भी लग रही है, ये भी हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं चल रहा हो, या कम्युनिकेशन गैप आ रहा हो, या फिर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात कर रहे हो तो सिर्फ बात कर रहे हो, यू नो कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो रहा है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो ना कहीं कुछ डाउट हो रहा है, या तो आपने कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करना स्टार्ट किया है, या फिर वो अपना कम्युनिकेशन ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, बात ठीक से नहीं हो पा रही आप दोनों की, और हो सकता है ये एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो। बट यहाँ पे आपको इस पर काम करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको अभी दूंगी रीडिंग में ही। अगर बात की जाए आपके पार्टनर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो वाटर एलिमेंट के हो सकते हैं, या फिर दिस अर्थ एलिमेंट के आपके पार्टनर होंगे। मुझे ज्यादातर चांसेस लग रही है कैंसेरियन, स्कॉर्पियन और पाइसेस की। और देखिए, आपका जो कार्ड भी आया है आपके पार्टनर के लिए वो क्वीन ऑफ कप है, और आपके लिए जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ कप है। ओके, सो देखिए हाउ ब्यूटिफुल दिस कार्ड्स आर। सो ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग सोलमेट हो सकते हैं, या फिर यू नो यू गाइज हैव सम कनेक्शन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, और आप लोगों को वो एनर्जी फील होती है। क्योंकि देखो यार, एक चीज़ है, ये द वर्ल्ड आज की डेट में वर्ल्ड लेवल का प्यार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। सब अपने बारे में सोचते हैं, कहने की बात होती है प्यार प्यार प्यार, लेकिन लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। वो आपको तब तक प्यार करते हैं जब तक आप उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ करो, ठीक है। बट हाँ, आपका प्यार जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का प्यार है, और स्पेशली अगर आपको स्टेबल होना, आपको एक जगह रुकना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए एक तरीके से, बट स्टिल आप वो चीज़ मैनेज कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ और लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत से दोस्तों के साथ बात करते हैं, बहुत लोगों के साथ उनके फ्रेंड्स हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी की भी फीलिंग हो सकती है। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही एक चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। या तो उनको लगता है कि आपके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, या आपको लगता है कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, शायद वो मुझे डंप ना करते, या फिर ये रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए, इस तरीके का एक डर है आप में से कई लोगों के पास। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि हो सकता है आप में से कई लोगों का कम्युनिकेशन बंद होगा, ओके, या फिर आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो उस तरीके से नहीं है। कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है, मतलब एक फ्लो होता है ना जो एक पार्टनर के साथ आप करते हो, मतलब दिल खोल के बात करना, वो चीज़ का एनर्जी मुझे मिसिंग लग रही है। तो वो एक प्रॉब्लम एरिया है, आप उस चीज़ पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन को
क्लियर करें, जो आपके दिल में बात है वो चीज जरूर करें आप अपने पार्टनर से। फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है जो एक एक तरीके से कहीं ना कहीं चीटिंग, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को बता रहा है जो या तो आपने की है या आपके पार्टनर ने की है, इंटेंशनली भी हो सकती है और मे भी ऐसे हुआ हो जो उनको पता ही ना चला हो, ठीक है, बट कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। बट अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ आप उसको फॉरगिव करो, दोनों के दोनों की बात कर रही हो, जिसके से भी हुआ है अब उसको छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि वही लाइफ, इसी तरीके से लाइफ आगे बढ़ती है। आपके लिए जो कार्ड आया है सोल्यूशन का वो ये है कि आप कुछ चीज़ों को यू नो फॉरगिव करो आप, ठीक है। दूसरा मैं एक चीज़ और कहूँगी, ये जो कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, एक्चुअली ये लियो का कार्ड है, दिस इज अगेन अ फायर एनर्जी, ओके। सो आप ये कह सकते हो कि आपको अपनी फायर को थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इट मे बी पॉसिबल आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर हो या थोड़े इम्पल्सिव जल्दी हो जाते हो, जिसकी वजह से या तो वो अपनी कुछ बातों को छुपाते हैं आपके पार्टनर, या फिर एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो, मतलब चीज़ों को आधा अधूरा आपसे बताते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके रिलेशनशिप का जो सल्यूशन है वो ये है, कई बार चीज़ें हमको करेक्ट नहीं लगती है, जो हो रही है वो करेक्ट नहीं है, बट हो सकता है कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें सही हों, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने जो चीज़ किया उसके पीछे रीज़न क्या था और वो क्यों और किस सर्कमस्टेंसेस में उसने ये किया है। आपको अपने कम्फर्ट जोन से निकल करके सामने वाले के जोन में जा कर के चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके रिलेशनशिप में जो भी इशूज़ हैं आप क्लियर कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, ओके। मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली बोलती हूँ कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ भी है तो वो जस्ट जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और आप चाहो तो इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो और भी, ओके। देखो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है आपके पार्टनर की तरफ से, तो ये भी कार्ड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को बताता है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को बताता है, जो ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें दिल में हैं, दिमाग में हैं, उस चीज़ को क्लियर करो। अगर आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी खरी खोटी सुना देता है या कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आपको हर्ट करे, तो प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए सुन लो, बट ट्राई टू यू नो resolve this issue, resolve this problem, because I think ये बहुत जल्दी हो सकता है। ईगो को साइड में करो, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ईगो भी आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा हो अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करने में, ठीक है। एनर्जी बहुत फास्ट है, बहुत शार्प एनर्जी है, बहुत लाउड एनर्जी है, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, स्पेशली योर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग, ओके। इसलिए आपको पर्सनैलिटी बहुत ही डिफरेंट तरीके का है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कई बार आपके साथ जल नहीं कर पाते हैं, वो घबरा जाते हैं आपकी एनर्जी से। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को स्मूथ रखें और उनके साथ अच्छे से जल होने की कोशिश करें, उनकी कुछ गलतियों को माफ़ कर दें और आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो ये बता रहा है यू नीड टू बी कम्युनिकेट प्रॉपरली। नया स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। एक चीज़ और भी है, हो सकता है कि कुछ ये नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं, ओके। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ नया स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मंथ आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है और जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, यू नो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देखिए दो दो पर्सनैलिटी कार्ड है किंग के, तो वो चांसेस हैं कि आपके लाइफ में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आ सकता है, आपका कोई बॉयफ्रेंड आ सकता है। उसके साथ साथ क्वीन ऑफ कप का भी कार्ड है, तो ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर भी आ सकता है। तो हाँ, जिनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है उनके लाइफ में नया पार्टनर आ सकता है, जिनका रिलेशनशिप चल रहा है और ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप है, तो उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और चीज़ें पहले से बेटर होंगी। तो ये आपके लिए लव रीडिंग।